Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is one to many relationship in database. Video start करने से पहले मैं अपने subscribers से request करता हूँ कि please मेरे channel को subscribe करें and please press the bell button ताकि आपको latest notifications मिलती रहे. तो one to many relationship जो है database में काफी important topic है. ये ER modeling में आता है actual में topic entity relationship में. Generally हम इस topic को जब भी हम करते हैं, चाहे हम books से या कहीं से भी हम इस topic को cover करें, तो हम journal सा एक overview देखते हैं कि one to many relationship ये होता है, इसका ये example है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतने दो तीन लेवल तक जाते हैं. बट एक्चुअल में ये टॉपिक जो है बहुत ही डीप तक है. मतलब इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो रिलेशनल मॉडल में भी इंपॉर्टेंट है, वो आपके इंटरव्यू पॉइंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो आपके यूजीसी नेट और गेट के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं यहाँ पे सिर्फ वन टू मैनी रिलेशनशिप होता क्या है या उसका एग्जाम्पल क्या है या उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये नहीं डिस्कस करने वाला. वो तो इंपॉर्टेंट है ही, चलो, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसके अंदर एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स हैं, या हम उसको कह सकते हैं कि जिस टाइप के क्वेश्चंस गेट में, यूजीसी नेट के एग्जाम में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, हम उन क्वेश्चंस के बेसिस पे इस पूरे टॉपिक को जो है वो कवर करने वाले हैं. तो वन टू मेनी रिलेशनशिप में पहले तो मैं आपको एक डायग्राम क्लियर कर देता हूँ. दैट वी हैव अ कस्टमर एंड ऑर्डर टू एंटिटीज एंड देर इज अ रिलेशनशिप गिव्स, मीन्स कस्टमर गिव ऑर्डर. अब यहाँ पे जो कस्टमर है गिव है और ऑर्डर है. वन टू मैनी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया कि कस्टमर कैन गिव मैनी ऑर्डर्स. तो हमने इसको पहले, ये गिवन है, दैट इज ऑलवेज गिवन, कि रिलेशनशिप जो है वो मेरी वन टू मैनी है. अगर ये चीज गिवन है या ये चीज मुझे पता है तो उसके बाद हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं. तो पहले तो आप देखिए, कस्टमर कैन गिव मैनी ऑर्डर्स या वन ऑर्डर, अ पर्टिकुलर ऑर्डर कैन बी गिवन बाय अ वन कस्टमर ओनली. आप कैसे भी कह सकते हो इसको, बिकॉज यहां से वन टू मैनी ऑर्डर है, लेकिन यहां से एक ऑर्डर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कस्टमर ही आपको मिलेगा. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वन टू इन्फिनिटी, या हम इसको वन टू एम लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देर आर वेरियस रिप्रेजेंटेशन, बट रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अ एक्चुअल टास्क. द एक्चुअल टास्क इज समथिंग एल्स. उसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि जब हम इस ईआर मॉडल को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, कि अगर हमने ईआर मॉडल, हमें पता है कि डिजाइनिंग के पर्पज के लिए यूज होता है, कि चलो डिजाइन कर दिया हमने डेटाबेस को, लेकिन जब हम उसको फिजिकली इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें किस मॉडल की जरूरत पड़ती है, रिलेशनल मॉडल. और रिलेशनल मॉडल में हम क्या यूज करते हैं, टेबल्स. तो जब हम इसको टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे तो कस्टमर टेबल का हमने यहाँ पे एक टेबल बना दिया, कस्टमर एंटिटी का हमने टेबल बना दिया, ऑर्डर एंटिटी का टेबल बना दिया, गिव्स भी एक एंटिटी है, एक्चुअल में ये है तो रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप का भी क्या बनेगा, टेबल बनेगा. तो यहां पे जो जो इनके एट्रीब्यूट से, उन एट्रीब्यूट्स को मैंने यहां पे टेबल में एट्रीब्यूट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया. अब यहां पे मेरे पास आईडी जो है कस्टमर टेबल के अंदर, ये कस्टमर टेबल है, तो कस्टमर टेबल के अंदर जो आईडी है वो क्या है, मेरी प्राइमरी की, दिस इज अ प्राइमरी की, और यहां पे मेरा ऑर्डर नंबर जो है वो क्या है, प्राइमरी की. ये यहां तक तो आप मान सकते हो कि इसको गिवन है. अगर नहीं भी गिवन, वैसे तो आपको मान के चलना ही पड़ेगा, बिकॉज हर एक टेबल में एक प्राइमरी की तो होती ही होती है, और सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है. तो उस चीज को या तो वो गिवन देंगे या आपको एज्यूम करके चल रहे हैं हम कि ये इस टेबल में आईडी है, इस टेबल में ऑर्डर नंबर. लेकिन ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है. इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अब हम आते हैं रिलेशनशिप टेबल के अंदर. रिलेशनशिप टेबल के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप टेबल के अंदर एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं. तो रिलेशनशिप टेबल में दो एट्रीब्यूट कौन से होंगे जो मैंडेटरी है, एक तो आईडी. ये आईडी इस टेबल में कैसे काम कर रही है, फॉरेन की के तौर पर, और ये रेफरेंस कहां से ले रही है, इस आईडी से, इस प्राइमरी की. और यहां पे ये ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर जो है वो रेफरेंस ले रहा है, ये भी क्या है, एक फॉरेन की है, और ये रेफरेंस कहां से ले रहा है, इस ऑर्डर नंबर से, बिकॉज प्राइमरी की से हम हमेशा रेफरेंस लेते हैं. तो प्राइमरी की मेरी इस टेबल में है, कस्टमर टेबल ये रहा, ऑर्डर टेबल ये रहा. तो यहां पे मेरे पास कितनी फॉरेन कीज है, दो फॉरेन की, एक आईडी और एक ऑर्डर नंबर. और फॉरेन की के बारे में, फॉरेन की कैसे काम करती है और क्या काम आता है, वो फॉरेन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो कि फॉरेन की का फंक्शन क्या है यहाँ पे. और यहाँ पे एक तीसरा एट्रीब्यूट है डेट. तो मतलब यहाँ पे कई बार पूछ लेते हैं कि जो मेरा रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप का भी कोई एट्रीब्यूट हो सकता है, यस,
एंटिटी के तो एट्रीब्यूट होते ही हैं, रिलेशनशिप का भी एट्रीब्यूट हो सकता है, और उस एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, दैट इज कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। तो ये डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है, तो हमने एक डेट जो है वो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट ले लिया। आप लेना चाहते हो ले लो, नहीं तो दो एट्रीब्यूट तो ये आएंगे ही आएंगे। अब हम बात करते हैं यहां पे कि इस टेबल में फॉरेन की तो पता लग गई, मेरे पास दो फॉरेन की है, लेकिन इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी है, ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आता है। और ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्राइमरी की मतलब इस वाले टेबल में प्राइमरी की कौन सी बनेगी। इसको पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि रिलेशनशिप कौन सी है, वन टू मैनी। तो अगर हम इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करें, तो लेट्स सी कि अगर मैं कस्टमर टेबल है, ये कस्टमर टेबल के अंदर अगर कुछ डेटा इंसर्ट करूं तो कैसे, लेट्स से देयर इज अ कस्टमर C1, कस्टमर नेम इज ए एंड इट बिलोंग्स टू जलंधर, लेट्स पुट सम डेटा C2 B दिल्ली, लेट्स से C3 C मुंबई, लेट्स से C4 A मुंबई, देयर आर वेरियस कस्टमर्स। यहां पे मैं ऑर्डर के अंदर भी डेटा ले लेता हूं, ऑर्डर में मेरे पास है लेट्स से ऑर्डर O1, ऑर्डर नेम मेरे पास यहां पे है लेट्स से ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 1 कोई भी आइटम ले लो, लेट्स से बकेट है मेरे पास, लेट्स से यहां पे शूज ले लेते हैं, और यहां पे कोई भी अलग अलग जो है ऑर्डर यहां पे आप कर सकते हो, शर्ट मेन यहां पे फंडा है हमारा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स, कॉस्ट लेट्स से यहां पे मेरे पास 1000, 2000, 1500, यहाँ पे जीन्स ले लेते हैं, और ये है मेरे पास लेट्स से 2000। सो ये मेरे पास कुछ ऑर्डर्स हैं जो कस्टमर्स ने दिए हैं। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ऑर्डर का टेबल है, इस ऑर्डर के टेबल से मुझे क्या पता लगता है कि ऑर्डर का नंबर, ऑर्डर का नेम और ऑर्डर की कॉस्ट, और इस टेबल से मेरे को पता लगेगा कि कस्टमर कौन सा है, कस्टमर की डिटेल। तो ये मेरे को कस्टमर की डिटेल दे रहा है, ये मेरे को ऑर्डर की डिटेल दे रहा है, लेकिन किस कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर दिया है वो कौन बताएगा, रिलेशनशिप टेबल। तो हम कैसे इसको लिखते हैं, रिलेशनशिप है वन टू मैनी, मीन्स अ कस्टमर कैन गिव मैनी ऑर्डर्स। तो अगर यहां पर कस्टमर है C1, तो वी कैन से कि C1 कैन गिव मैनी ऑर्डर्स। तो C1 ने लेट्स से ऑर्डर दिया O1 एंड C1 ने ही ऑर्डर दिया O2, इसी तरीके से आएगा, बिकॉज व्हाट इज दिस रिलेशनशिप, वन टू मैनी मीन्स अ कस्टमर कैन गिव मैनी ऑर्डर्स। तो अगर कस्टमर मैनी ऑर्डर्स दे रहा है तो डेटा कैसे आएगा, इसी तरीके से कि इस तरफ मेरे पास यहाँ पे कोई लेट्स से कस्टमर C2 है और उसका ऑर्डर है O3, एक कस्टमर और C2 है और उसका ऑर्डर है O4। This is a way of putting the data. और कुछ भी डेट यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे पास अलग अलग IDs हैं और यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, लेकिन ये जो IDs हैं, अगर आप इस ID को देखो तो यहाँ पे ये IDs जो है वो रिपीट हो रही हैं। रिपीट क्यों हो रही हैं? बिकॉज मेरे पर रिलेशनशिप क्या है, वन टू मैनी मीन्स अ कस्टमर कैन गिव मैनी ऑर्डर। तो अगर अ कस्टमर कैन गिव मैनी ऑर्डर, तो कस्टमर के कॉरस्पॉन्डिंग जो है मल्टीपल रोज आएंगी यहाँ पे, मल्टीपल कस्टमर्स की वैल्यू है, लेकिन ऑर्डर की वैल्यू हमेशा यूनिक होगी। क्यों? क्योंकि वन टू मैनी है, मीन्स अ कस्टमर कैन गिव मैनी ऑर्डर, बट अ पर्टिकुलर ऑर्डर विल बी रिलेटेड टू ओनली वन कस्टमर। यही हुआ ना वन टू मैनी, अ कस्टमर कैन गिव मैनी ऑर्डर, बट अ ऑर्डर कैन बी गिवन बाय अ वन कस्टमर ओनली। तो अगर ये ऑर्डर O1 है, O1 को अगर C1 ने ऑर्डर किया, तो O1 को कोई और ऑर्डर नहीं कर सकता, बिकॉज वन टू मैनी है। अगर ऐसा होता तो फिर ये मैनी टू मैनी बन जाएगा। तो यानी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाले कॉलम में जो डेटा है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन इस वाले कॉलम में डेटा रिपीट कभी नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि इस टेबल में आप किसको प्राइमरी की बना सकते हो, तो आप क्लियर कट यहां पे लिख सकते हो कि ऑर्डर नंबर जो है इस टेबल में एक्ट करेगी एज ए प्राइमरी की, या कैंडिडेट की भी बोल सकते हो आप इसको। तो रिलेशनशिप टेबल में मेरे पास कौन सी आई, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर जो है वो क्या है, एज ए प्राइमरी की यहां पे एक्ट कर रही है। तो यानी इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है गेट के, UGC नेट के एग्जाम में, जब भी आपको वन टू मैनी ऑर्डर हो तो मैनी वाली साइड, बिकॉज मैनी इस तरफ है
तो जिस तरफ भी मैनी हो, मैनी वाले में जो भी प्राइमरी की है वही प्राइमरी की बनेगी आपकी फॉरेन की वाले या रिलेशनशिप वाले टेबल में, ये हमेशा आप याद रखना। तो इसमें ऑर्डर नंबर जो है वो क्या एक्ट कर रही है, एज ए प्राइमरी की। तो एक तो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये सॉल्व होता है। एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि यहां पे अगर मैं इन टेबल्स को रिड्यूस करना चाहूं, नंबर ऑफ टेबल्स को रिड्यूस करना चाहूं, तो क्या मैं इन नंबर ऑफ टेबल्स को रिड्यूस कर सकता हूं? बिकॉज कितने टेबल्स हैं? तीन। तो तीन से क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं? यस, मैं इनको दो टेबल्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये मैंने 1-to-1 रिलेशनशिप में भी आपको बताया था। अब इन तीनों को अगर मुझे रिड्यूस करना है 2 में, तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इन दोनों टेबल्स को मर्ज करके। बिकॉज इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी है? ऑर्डर नंबर। इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी है? ऑर्डर नंबर। तो आप इन दोनों टेबल्स को क्या कर सकते हो? मर्ज। और इनको मर्ज करके एक नया टेबल ऐसे डिजाइन कर सकते हो। लेट्स से इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया, तो क्या बनेगा? आईडी, यहां से हम ले लेते हैं ऑर्डर नंबर, यहां से हम ले लेते हैं आइटम नंबर, आइटम नेम सॉरी, और एक मेरे पास कॉस्ट आ जाती है। तो ये मेरे पास यहां पे इनको हम कंबाइन करके, डेट भी आ जाएगी क्योंकि डेट जो है इस टेबल में है, आप इसको कंबाइन कर सकते हो इन दोनों टेबल्स को। और डेटा कैसे आ जाएगा? लेट्स से C1 है, किसने ऑर्डर दिया? O1 ने। C2, C1 को O2, C2 को एज इट इज आप इसमें लिखते जाओ C2 O4। और लेट्स से कि अगर इस टेबल में ज्यादा ऑर्डर्स हैं, इस टेबल में अगर ज्यादा वैल्यूज हैं, आप उनको यहां पे लिख सकते हो, बिकॉज इस टेबल में भी मेरे पास प्राइमरी की कौन सी होगी? ऑर्डर नंबर। तभी तो हम इनको कंबाइन कर रहे हैं, बिकॉज दोनों इन टेबल में प्राइमरी की सेम है। तो जहां पे भी सेम प्राइमरी की है, आप क्यों दो टेबल क्रिएट करो, आप उसको एक टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो है दो बार ये इस तरीके का क्वेश्चन, या कई बार एंटिटी रिलेशनशिप में भी पूछ सकते हैं, क्या हम गिव और ऑर्डर को मर्ज कर सकते हैं? यस। कस्टमर और गिव को मर्ज कर सकते हैं? नहीं, कस्टमर और गिव को मर्ज नहीं कर सकते, बिकॉज कस्टमर के अंदर जो ये वैल्यूज हैं ये रिपीट हो रही हैं, तो इसमें ये प्राइमरी की नहीं है। यहाँ पे तो ये प्राइमरी की है, लेकिन ये प्राइमरी की नहीं है, तो आप इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते। बट आप इन दोनों को मर्ज करके एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक टेबल ये बचा और दूसरा टेबल मेरे पास ये आया। तो इसीलिए हमने उसको फिजिकली भी, हम जब इसको कोडिंग करते हैं तो उस टाइम पे भी हम इनको मर्ज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं। एक तो मेरे पास इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी होगी? मैनी तरफ, जिस तरफ भी मैनी है उस तरफ वाली जो है वो मेरे पास प्राइमरी की बनेगी। और दूसरा, क्या मैं इन टेबल्स को मर्ज कर सकता हूँ? तीन से दो कर सकता हूँ रिड्यूस? यस, बट अगेन मैनी तरफ, जिस तरफ M लिखा हुआ है उसको आप मर्ज कर दो। तो ये है 1-to-many रिलेशनशिप। इसी का ही एज इट इज अ मैनी टू वन। अगर मैं मैनी टू वन कर दूं, मतलब इस तरफ मैनी और इस तरफ वन कर दूं, तो आप किस तरफ मर्ज करोगे? जिस तरफ मैनी हो। ये हमेशा याद रखना। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ, अभी रिसेंटली भी ये क्वेश्चन आया हुआ था नेट के एग्जाम में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, विदाउट टेकिंग एनी टाइम, आप देखते ही उसको आंसर कर दोगे, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ पे टाइम की भी सेविंग हो रही है। और ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटाबेस का, लेकिन हम जर्नली जो है कई बार बुक्स में हम प्रॉपर पढ़ते नहीं इसको, और हम इन डीप के कॉन्सेप्ट्स को हम मिस कर जाते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। दिस इज मोर देन इनफ अबाउट व्हाट इज 1-to-many रिलेशनशिप। और मैनी टू वन भी इसका बिल्कुल सेम है, बस पॉइंट हमेशा याद रखना, जिस तरफ मैनी है वही वाली प्राइमरी की रिलेशनशिप टेबल में प्राइमरी की बनेगी, और जिस तरफ मैनी है उन्हीं दोनों टेबल्स को आप क्या कर सकते हो? मर्ज कर सकते हो। इसके बारे में हम और क्वेश्चंस जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे, बट ये जो है दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ 1-to-many रिलेशनशिप इन DBMS। थैंक यू।